आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज है 26 अगस्त एंड आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के आज अवसर पर हमारे स्कूल, सभी के स्कूलों में आज छुट्टी है एंड सुबह का अभी टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। एंड एक मिनट, मैं पहले आपको मेहंदी दिखाती हूँ अपनी। तो कल रात को ही मैंने सोचा था कि जन्माष्टमी आ रही है तो मैं क्यों ना मेहंदी लगा दूँ, तो इसलिए मैंने ये मेहंदी लगाई है रात को। एंड इस बार तो मैंने बहुत अच्छी लगाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं कैसे लग गई। एंड वैसे तो इसका कलर बहुत ही कम है, बस फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इतनी ज़्यादा डार्क खिली नहीं है ये। क्योंकि 9 बज रहे हैं और हम सब लोग, मतलब मैं, मम्मी, हम तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं और आज है मेरा फास्ट व्रत है आज। और मम्मी ने सुबह जो पूजा है, पूजा की सारी साफ सफाई कर दी है कमरे की और उसे बहुत अच्छे से सजाया भी है। मेरा काम अभी थोड़ा सा बचा है क्योंकि आज कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव है, तो इसलिए हमने सोचा कि, मम्मी ने सोचा कि वहाँ पे बलून्स लगाते हैं, तो मम्मी ने थोड़े बलून्स फुला दिए हैं, बाकी जो बचे हैं वो मैं फुलाऊँगी और उन्हें लगाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल पहले बलून फुलाते हैं, फिर आपको पूरा मंदिर दिखा दी। आज मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सजाया, तो पहले बलून फुलाते हैं फिर आपको दिखाऊँगी। आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशु का चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे दादी मलाई से बना रही है आज के लिए मक्खन जन्माष्टमी के अवसर पर। तो ये बन नहीं रहा अभी, अब देखते हैं कब तक बनेगा। तो अभी जो दादी मक्खन कर रही थी ना, वो हो नहीं रहा है, तो मम्मी ने कहा कि तू कर ले, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं अभी मक्खन करते हैं। देखते हैं इस मलाई वाला जो मक्खन है, मलाई से जो निकालते हैं, वो होता है कि नहीं होता। तो गाइज, यहाँ पे मम्मी जो है पिंडालू के पत्तों के साथ आज बनाने वाली है पत्यूर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब जन्माष्टमी होती है तो शाम को लोगों को हम प्रसाद देते हैं, जिनका जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो रखी होती है तो उनके घर में देना पड़ता है प्रसाद। तो आज इसीलिए यहाँ पे पिंडालू के पत्ते काटे जा रहे हैं पत्यूर बनाने के लिए। तो गाइज, अब हो चुके हैं दिन के 3:30। बीच में फोन जो था पापा के पास था, इसलिए कोई वीडियो बनाई नहीं, ना ही मैंने कुछ ऐसा किया था, बस अपना थोड़ा सा काम किया था। और अभी बाहर का मौसम बारिश वाला दोबारा हो चुका है, शायद से कल की तरह दोबारा बारिश आ सकती है, बादल आ चुके हैं बाहर। ये हो चुका है आज बाहर का मौसम, बिल्कुल बादल ही बादल। कल की तरह बारिश आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और गाइज, ये रहा हमारा वाइट मक्खन जो कि बन चुका था, और अब इसको हम शाम को यूज़ करेंगे। और ये बन चुके थे पत्यूर। तो गाइस, अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और अब मैं
बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। पहले मैंने सोचा था कि सूजी का हलवा जैसे हमें दूसरे लोगों को भी देना है तो वो बनाते हैं, फिर बाद में मैं आटे का बनाऊंगी, बट फिर अब मम्मी ने कहा कि एक ही हलवा बनाते हैं तो हम सूजी का ही हलवा बना रहे हैं। तो अभी मम्मी जा रखी है बाहर। मैंने बना तो दिया है, पता नहीं कैसा बना है, सही बना है, बना दिया है। और अब 7 बजने वाले हैं और मम्मी यहाँ पे काट रही है आज खाने के लिए हमारे लिए आलू, और साथ ही साथ उधर बन रहे हैं आज पतीउड जो हमने दिन में बनाए थे। गाइज मैं आई थी आपको सनसेट दिखाने और सनसेट ही हो गया, मतलब पूरा ही डूब गया, आप कुछ भी नहीं बचा दिखाने के लिए। देखो अब तो यहाँ ऐसा मौसम हो रहा है, अच्छी हवा चल रही है। ओहो लव क्रोज, देखो देखो दिख नहीं रहे होंगे बट ये लव क्रोज हैं। हम नया ये एक चीज़ बनाने वाले हैं, धनिया की पंजरी। तो अभी सबसे पहले तो धनिया को रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे, उसके बाद इसमें चीनी का बुरादा और बाकी सारी चीज़ें मिला के हम इसकी पंजरी बनाने वाले हैं। और यहाँ पर बन रही है खीर और हलवा वो बन चुका है। मौसम है सब पीला पीला हो गया ना, बादल बादल पिंक पिंक लग रहा है, यहाँ पे पीला यहाँ पे पिंक। वाओ जो धनिया वाली पिंजरी थी वो मम्मी ने बनाई क्योंकि मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए अब मम्मी ने बना दी है ये। और मम्मी लड्डू बना दिए इनके, देखो लड्डू बना दिए हैं। ये कान्हा जी को अति प्रिय होती इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि घर का ही सामान है सारा, तो बना सकते हैं ना बाबू? हाँ नहीं बना सकते? हाँ बनाया हमने, देख तो सारे घी के डब्बे थे ना आज, मतलब कुछ अभी ये मामी ने दिया था, ये हमने खुद जो वो बना रखा था सब खाली हो गया, और ये दुकान का था, ये दोनों तो मैंने उसमें डाल दिए हलवे में, और ये अब यूज होने लग गया, तो दोनों खाली हो चुके हैं। मैंने जो फास्ट रखा है वो निर्जला रखा है, मतलब बिना पानी वाला। वैसे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप लोग रख सकते हो, वैसे तो निर्जला होता है, उसके बाद अगर आपको पानी पीना है तो पानी वाला रख सकते हो, फ्रूट वाला रख सकते हो, और फिर अगर ज़्यादा ही मतलब आप नहीं खाने के बिना रह सकते हो थोड़ा बहुत जो आलू वालू खाते वाला भी रख सकते हो। ये थाली रेडी हो चुकी है, पूजा और अभी सब आ रहे हैं। एक सबसे मेन चीज जो थी वो तो भूल ही गए, मक्खन दम आया पूजा के कमरे में ले जाना ही भूल गए, जो हमने सुबह ही बना दिया था, पर अब मम्मी इसमें मिश्री डाल के इसे बना दिया, अभी के चलते हैं। चुके हैं जो भी जितने भी परिवार वालों को हमें देने हैं उन सबके लिए सब तैयार हो चुका है, तो हम अभी मम्मी और मेरा भाई जा रहे हैं देने, और बाहर अभी बारिश भी शुरू हो चुकी थी तो शायद अब बंद हो गई है। भेज रहा मतलब इसकी गंदी राइडिंग में कौन कौन होंगे वो दोस्त जो तेरे कीड़े मकोड़े वाली राइडिंग समझ पाते होंगे भाई। अच्छा जा चल।
गाइस फाइनली 12 बज चुके हैं और कान्हा जी का जो प्रकट वाला टाइम है वो हो चुका है। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो गाइस अभी बारी है उन सब चीज़ों को कान्हा जी पे भोग लगाने की, जो भी चीज़ें हमने शाम को बनाई थी, मक्खन, आलू, हलवा, सब चीज़ें, और केक भी कट करते हैं, हलवे का केक। ये रहा कान्हा जी के लिए केक, वो भी सूजी के हलवे का ही, तो इसे काटते हैं। राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, लेके धूम पर नाचते हैं, बाल बाल सब गाते हैं, राधे ना लेते लेते कृष्णा हमारे दिल में बसते। तो गाइस सबसे पहले मैंने अपना फास्ट ब्रेक किया है पानी पी के, क्योंकि मेरा निर्जला फास्ट था और हम मम्मी ने इतना सारा खाना रख दिया है मेरे सामने, इतने सारा ये खाना रख दिया है, आप पता नहीं इसमें से मैं क्या खाऊंगी। और यहाँ पे बना रखी है पूरियां, 12 बज चुके हैं। तो गाइस मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया है और वो जो पूरी थाली थी ना, वो पूरी थाली मैंने नहीं खाई, उसमें थोड़ा सा खाया है, बाकी सब ऐसे छोड़ दिया क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं, मन नहीं कर रहा इतना खाने का। एंड टाइम 12:30 हो चुके हैं, भाई सोने चला गया है और कल स्कूल भी है तो इसकी वजह से सोना भी पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आप सभी को एक बार और हैप्पी जन्माष्टमी एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, राधे राधे।